सेल्स में इनके इनके बीच में डिफरेंस 2000, इनके इनके बीच में 4000, इनके इनके बीच में 300, इनके इनके बीच में 700 रुपये। क्लियर है ये इलस्ट्रेशन 12। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 13, रोक के रखा था मैंने, ये भी आपके ग्रुप 2 की मॉड्यूल में है, सेम इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख लीजिए आप लोग। देखा, अ कंपनी इज एट प्रेजेंट वर्किंग एट 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी। कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रही? 90, एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट ये बना रही है पर एनम। भैया ये क्वेश्चन मार्जिनल में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बजट में भी पूछ सकता है, फ्लेक्सिबल बजट में। यहाँ पे कह भी दिया है, इट ऑपरेट अ फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल सिस्टम, द फॉलोइंग फिगर आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बजट। सेल्स 90% और 100% दोनों पे दे रखा है, फिक्स्ड एक्सपेंस भी दे रखा है, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस भी दे रखा है, वेरिएबल भी दे रखा है। यूनिट तो एडिशनल कितनी यूनिट है, यहाँ 13,500 और यहाँ पे 15,000। लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कॉन्स्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन, प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, प्रेजेंट मतलब 90% पे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट। पहला पॉइंट, 1500 यूनिट अगर आप बनाते हैं तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या पड़ती है, बाई इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। What would you recommend to an export price of these 1500 unit, taking into account that overseas price are much lower than indigenous prices? पहली चीज़ तो सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, तो 1500,000 दिया हुआ है ना, 1500 और 1600,000 डिवाइड बाई 15,000, 106 रुपये। ओके, देख लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। मटेरियल और लेबर कॉस्ट नहीं दिया, लेकिन कह रहा है लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। अब बताओ कहाँ से निकालोगे, हम बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा भाई, 13 है, पुरानी मॉड्यूल ग्रुप 1 कॉस्ट। ग्रुप 2 में भी सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप सेल्स ले लीजिए प्रेजेंट कंडीशन, यानी 90% कैपेसिटी पे। लेस वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। यस, थोड़ा सा एक मिनट, ठीक एक मिनट। सेल्स ले लीजिए आप, लेस प्रॉफिट 10% कह रहा है ना, टोटल कॉस्ट लेस अदर जो कॉस्ट है वो माइनस कर दीजिए, वेरिएबल सेमी वेरिएबल फिक्स। तो वेरिएबल कितनी है, 1,45,000, फिक्स 3,507,000 रुपये ये मटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट बनी, देख लो आप लोग, ठीक है। अब हम क्या, इन्होंने कहा पॉइंट नंबर है, यू आर रिक्वायर्ड अ डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी। स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट,
1500 यूनिट्स। मटेरियल एंड लेबर 8,07,000 रुपये लग रहा है 13,500 यूनिट पे, 90% कैपेसिटी पे, तो 1500 यूनिट पे कितना लगेगा? $89,667 वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखिए, डिफरेंशियल निकालना है ना 1500 यूनिट का, एकदम आसान है। 100% कैपेसिटी पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है और 90% कैपेसिटी पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो 1500 यूनिट का है। क्योंकि आप देखिए 90% कैपेसिटी पे यूनिट कितना है, 90% कैपेसिटी पे 13,500 है और 100% कैपेसिटी पे कितना है 15,000, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1500। यानी कि जो कॉस्ट में डिफरेंस हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 100% कैपेसिटी पे 1,05,000 और 90% कैपेसिटी पे 97,500, 3,000 रुपये। फिक्स कॉस्ट 100 रुपये, 97,267 डिफरेंशियल कॉस्ट आ गई आपकी। अब बी पॉइंट क्या कह रहा है, बी पॉइंट कह रहा है व्हाट वी वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दिस 1500 यूनिट टेकिंग द अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइस आर मच लोअर देन इंडिजीनियस प्राइस। एक्सपोर्ट प्राइस, तो भाई टोटल प्राइस जो आपने कॉस्ट निकाली है 97,267, यानी इससे कम तो आपकी प्राइस नहीं हो सकती ना, जो 1500 यूनिट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। अर्सला इससे कम प्राइस नहीं हो सकती, ठीक है। अब ग्रुप वन वाले देख लो भाई आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है ना, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बजट का इलस्ट्रेशन है, हम अभी जब बजट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको करा देंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बता दिया, 13 करा दिया, 14, 15 चल रहा हूँ कराने, 16, 17, 18 आपको खुद से करना नहीं आएगा, पूछ लीजिएगा, शायद कराया भी है, 19 आपको सारे इलस्ट्रेशन मैंने करा दिए ग्रुप वन वाले। ग्रुप टू वालों को अभी मैं बता रहा हूँ, आपका ये इलस्ट्रेशन भी करा के मैं ख़त्म करूँ, ये बी कॉम का है, बी कॉम सेकेंड ईयर में, ML अग्रवाल की बुक में। अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर एंड सेल इट फॉर ₹3,000 कैश एंड इंक्रीज 17% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 20% ऑफ लेबर कॉस्ट इज एंटिसिपेटेड। द इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कॉस्ट एट 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। यानी कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% कम हो जाएगा करेंट। एट प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट इज 50%, वेजेस 20% और ओवरहेड 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। You are required to prepare a statement of profit and loss per unit at present
एंड कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल लेबर और ओवरहेड, मटेरियल 50%, लेबर 20% और ओवरहेड 30%। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को हमने एक्स मान रखा है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो सर आपने इसकी वैल्यू क्यों नहीं लिखी, तो 0.5, 0.2, 0.3 जोड़ डालो तो 1 होगा, और 1 एक्स की वैल्यू हमेशा 1 ही मानी जाती है। इंक्रीज, मटेरियल में कितने परसेंट का इंक्रीज है, तो कह रहा है 17% का, और लेबर में कितने परसेंट का इंक्रीज है, 20% का। तो भाई एक बात बताओ, मटेरियल में अगर 17% का इंक्रीज है सेल्स, प्रॉफिट कितना परसेंट कह रखा है, कह रहा है 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका 25% कम होगा, तो क्या हम सेलिंग प्राइस को 1.125x प्लस 0.75y नहीं बोल सकते। यहाँ पे सेल्स कितना है, 3000, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3000 माइनस एक्स, ये भी तो हो सकता है ना। 3000 अगर सेल्स है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, कॉस्ट तो 3000 माइनस एक्स, यहाँ पे 3000 माइनस 1.125, ठीक है। अब एक इक्वेशन आप बना लीजिए, पहला इक्वेशन 1.125x प्लस 0.75y इक्वल टू 3000, इक्वेशन वन। अब इक्वेशन टू, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25% है तो कॉस्ट आपकी 75 होगी ना, निकाल लीजिए। 0.75x प्लस 0.75y इक्वल टू 2250, क्योंकि 3000 इनकी सेलिंग प्राइस थी, ये दूसरे वाले का
इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन। अब ये और ये तो आपस में कट जाएंगे, 750 इक्वल टू 1.125 माइनस 0.75, तो यह आ जाएगा 0.375 एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 750 डिवाइड बाय 0.375। दो 4 रुपये कॉस्ट यानी एक्स की वैल्यू आई। सर ये आपने 0.75 एक्स से क्यों मल्टीप्लाई किया? भाई 0.75 एक्स हमारी प्रॉफिट है ना, मतलब सॉरी कॉस्ट है ना, क्योंकि 25% तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, यही है ना। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, समझ लो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन है। तो आफ्टर इंक्रीज और बिफोर इंक्रीज, तो कॉस्ट 0.75x, ठीक है, ये आपका बन गया। अब जब आपको कॉस्ट पता चल गई, तो इन्होंने कहा है कि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ओवरहेड, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आया? 1000, मटेरियल 50%, तो 2000 का 50% कितना हो जाएगा? 1000, लेबर 20%, ओवरहेड 30%, हो गया आपका टोटल कॉस्ट 2000, प्रॉफिट 1000, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया ये आपका। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर, उतना ही प्रॉफिट चाहिए जितना पहले था। तो मटेरियल लेबर, दूसरा पॉइंट कर रहा हूँ मैं, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। तो देखिए भाई, मटेरियल 1000 रुपये पहले लग रहा था जिसमें 17% का इंक्रीमेंट था, तो 117 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। लेबर 400 रुपये का पहले लग रहा था जिसमें इंक्रीमेंट था 20% का, तो 120 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ओवरहेड में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो ओवरहेड 600 रुपये पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। एलेवन सेवेंटी फोर एट्टी टू टू फाइव जीरो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट का उतना ही परसेंट चाहिए जितना पहले था, तो पहले चेक कर लो कि पहले प्रॉफिट का परसेंट क्या था ऑन कॉस्ट। तो 1000 रुपये प्रॉफिट है और कॉस्ट कितनी है 2000 रुपये, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 50%। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट ले लो 50% ऑन कॉस्ट, तो 1125 5733 सेल्स, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका भाई कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल में थे वो मैंने बता दिया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो, या कोई क्वेश्चन ऐसा जो मैंने छोड़ दिया हो या नई मॉड्यूल में हो मैं ना बताया हूँ, वो मेरे से पूछ सकता है। ग्रुप टू वाले अपने सारे क्वेश्चन मैच करा लें, अभी मैं उसके बाद ग्रुप टू के जो मार्जिनल क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो कि कॉस्ट में नहीं दिया या अलग से हैं, वो मैं उनको अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आज ही, ठीक है। थैंक यू।